साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है एक घड़ी के एक मिनट की सुई जिसकी लंबाई अपने पास में 14 सेमी है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें हमारे को ज्ञात करना है कि 5 मिनट में अपने को कितना क्षेत्रफल तय किया गया है। तो अपने पास में होगी त्रिज्या की लंबाई, वृत्त के त्रिज्या की लंबाई, क्योंकि घड़ी जो होती है साथियों वो एक वृत्ताकार क्षेत्र में घूमती है। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र में घूमती है घड़ी की सुइयाँ। तो साथियों यहाँ पर जो घड़ी की इसकी वृत्त की त्रिज्या होगी वह अपने पास में 14 मीटर है, 14 सेमी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या की लंबाई अपने पास में कितनी है, 14 सेमी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि एक मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक घंटे में साथियों जो घड़ी है वो एक घंटे के अंदर क्या करती है, घड़ी की जो घंटे वाली मिनट वाली सुई होती है वो एक घंटे के अंदर क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो एक तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वैसे अपने को क्या करना है, एक मिनट का निकालना है। तो एक मिनट बराबर अपने पास होगा 360 डिग्री, एक मिनट में कितने सेकंड होते थे, 60, तो 60 का इसके अंदर भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब उसमें क्या करेंगे, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 मिनट का निकालने के लिए, 5 मिनट का अपने को निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 डिग्री इंटू 5 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। ये इसका क्या होगा, त्रिज्य खंड, ये क्या है इसका, त्रिज्य खंड, इसकी त्रिज्य खंड ये है। अब क्या करेंगे, अब घड़ी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास में थीटा बटे वे 360 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अपने पास पाई का मान कितना है, पाई का मान होता है साथियों 22 बटे वे 7 इंटू अपने पास त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 14 इंटू 14 थीटा, थीटा का मान अपने पास दिया गया है 30 डिग्री अपने निकाला है, तो ये हो जाएगा इंटू 30 डिग्री बटे वे 360। अब क्या करेंगे हम, 7 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 1 बटे वे 12, 14 × 28 इंटू 22 इंटू 28, ये कट जाएंगे 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, तो अपने पास में बचेंगे यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ, 7 × 2 = 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 × 2 = 14, 14 × 1 = 15, 154 बटे हुए 3 बचे हैं अपने पास में, तो 3, ये हो जाएगा सेमी में इसका आंसर। इस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको लिखेंगे सेमी स्क्वायर, क्योंकि अपने पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार और से समझा देता हूँ इसको। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, तो अपने पास पे घड़ी की त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी 14 सेमी। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 60 अपने पास 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाता है एक मिनट वाली सुई। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 बटे हुए 60 का भाग देंगे 6 डिग्री। 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें थीटा बटे हुए 360 डिग्री, इसमें अपने पास में पाई का मान 22 बटे हुए 7 इंटू त्रिज्या अपने पास में दी हुई है 14 सेमी, तो 14 × 14 इंटू थीटा का मान अपने पास में 30 डिग्री है बटे हुए 360।
काट पीट के अपने पास में 154 बटे हुए 3 सेमी स्क्वायर इसके आंसर आते हैं। इस तरीके से इसको याद करते हैं। साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, -1 तथा 5, 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो साथियों समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद में क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी। त्रिभुज का नाम दे दिया। इसके शीर्ष से अपने पास में ए वाले के हैं 2, -2। इसके बाद में अपने पास बी वाले के शीर्ष है -2, -1। इसके बाद में अपने पास में सी वाले के हैं 5, 2। इसके बाद में अपने पास में एक सूत्र होता है साथियों समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए। इसमें सिद्ध करके 2 का मान तो वही आता है, तीसरे का मान उनके बराबर अपने को लेके आना पड़ता है। देखते हैं साथियों उनका सूत्र निकालने का, दूरी ये होता है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है साथियों, दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है ये। तो इसमें हम दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है साथियों इसका सूत्र। अभी सूत्र में अपने को ये संख्याएं लिख के इसको अप्लाई करना है। हम लिखेंगे ए बी के लिए, देखेंगे तो ए बी की जो संख्या है कौन कौन सी है। ए बी के लिए x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, फिर y1 ये होगा और y2 ये हो जाएगा। तो देखते हैं अंडर रूट। अब अपने पूछा गया है कि x2, तो x2 अपने पास में क्या है -2 है, कितना है -2, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस सूत्र का। उसके बाद में अपने पास में x1 का मान है 2, ये लिख दिया 2 इसको स्क्वायर प्लस। अब y2 कितना है अपने पास, y2 है 1 और y1 है अपने पास में -1, तो ये माइनस कोष्टक -2 का होल स्क्वायर ये हो गया। साथ में मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 2, 4 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने पास में 3, 1, 2 और 1, 3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम निकालेंगे इसको अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 यह आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ये निकल गया एक। तो दूसरा निकालेंगे बी और सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालेंगे, वही फॉर्मूला। बी सी के लिए अपने पास में क्या क्या हो जाएगा, बी सी के लिए अपने पास में जो एक्स वन है वो हो जाएगा बी के लिए एक्स वन और एक्स टू, ये हो जाएगा y1 y2। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा अंडर रूट 5 आ गया। 5 के बाद में अपने पास में आएगा माइनस कोष्टक -2, यहाँ पर अपने पास में x1 माइनस है तो -2 इसका आ गया स्क्वायर। इसके बाद में अपने पास आ जाएगा y वाले में आएगा प्लस y2 अपने पास में 2। इसके बाद में अपने पास में माइनस y1 है 1, ये आ गया इसका स्क्वायर। यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में अंडर 5 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में 7 7 49 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 50, ये आ गया। इसके बाद में अपने पास में एक और निकालना है
वो है अपने पास एसी। अब एसी में अपने पास में क्या क्या हो जाएंगे, एसी में अपने पास हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक्स वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा वाई टू। ठीक है, अब एक्स टू निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहां पे वाई टू माइनस दो, दो माइनस कोष्टक माइनस टू स्क्वायर। यहां पे देखेंगे तो हो जाएगा पाँच में से दो गए तो तीन, तीन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा दो और दो चार, तो चार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये तीन तीन नौ प्लस चार चौक सोलह, ये हो गए पच्चीस, अंडर रूट पच्चीस इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे ए, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। इसमें अंडर रूट होंगे, ये होंगे अपने पास पच्चीस प्लस पच्चीस इज इक्वल टू पचास। अब देखेंगे ये बी सी है, बी सी में अपने को अंडर रूट पचास मिला था, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पचास अंडर रूट पचास, ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा पचास। तो इस तरीके से ये सभी सेम आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और से समझा देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि बिंदु टू कोमा टू, टू माइनस टू कोष्टक माइनस टू कोमा वन तथा फाइव कोमा टू एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करने का अपने पास सूत्र होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए साथियों, अब इसका अपने पास ए बी ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का, तो ए बी ज्ञात करने के लिए ये अपने पास में सूत्र हो जाता है, इस सूत्र में इनका मान रख देना है। मान रखने के बाद में इस तरीके से उसको सोल्व करना है, सोल्व करते ही पाँच आ जाएंगे। इसी तरीके से बी सी निकालना है, उसी तरीके से ए सी निकालना है। निकालने के बाद में साथियों इसमें क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर रख के देखना है, क्योंकि दोनों का मान सेम है और इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अपने निकाल, तो ये फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर अपने पास हो गए पचास, पचास पच्चीस प्लस पच्चीस पचास हो गए। उसके बाद में बी सी का स्क्वायर किया, अंडर रूट पचास का स्क्वायर पचास हो गया। तो इस तरीके से आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।